सारा सर तेरा घर पर बैठा बैठा हुआ है। अपन तेरे को मुबारकबाद देने के लिए फोन किया, बहुत मुबारक तेरे को तेरे घर पर बैठा बैठा हुआ से। अरे नहीं है नमस्ते, एक्चुअली हम लोगों का पहले से प्लान था कि बैठा बैठा एक महिला स्टैंड अप कॉमेडियन और एक पुरुष, ये दोनों की शादी हो गई, दोनों स्टैंड अप कॉमेडियन, सोचो क्या हाल है। ये दोनों की शादी, शादी हो गई पहली रात, महिला स्टैंड अप कॉमेडियन बिल्कुल उसी स्टाइल में बैठी है, दुल्हन वाला जो एक होता है वो घूंघट गिरा हुआ और दूल्हा बड़े शान से आ गए। दुल्हन भौजी दूध तो पी लीजिए, बंदे ने दूध उठाया कटाख। चलिए कारोबार शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक आइटम सुनाऊं। दुल्हन ने घूंघट उठाया, यहां से आइटम सुना है, एक हाथी था, एक घोड़ा था, ये था वो था, रुको मेरी आइटम सुनाती है। इसने भी आइटम सुनाया, इसने चार आवाज सुनाई, उसने छह आवाज सुनाई, एक दूसरे के परफॉर्मेंस पे खूब दाद दी, बाद में हमें अभी आज तो स्वाद रखती। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे शायरी के शौकीन होंगे, बरोबर है ना, जरूर क्या अर्थ बड़ी कर रहे हो, जरूर मतलब आए मुशायरे में आए रंगना, मतलब शो का कॉमेडी शो है। फिर भी चलिए आपके लिए नेक्स्ट शो है सुना। आप लोगों को पता है गालिब साहब बहुत बड़े शायर हमारे गुजरे हैं, ये एक दफा अपनी बेवफा महबूबा के घर के सामने सुसु करते पकड़े गए। दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, चौथे दिन महबूबा घर के बाहर है। छी क्या है बाबा, रोज आते मेरे पेड़ों को पानी देके निकल जाते हो गंदे। गालिब साहब अपने शायर में जवाब दे, मैं तेरे पेड़ों को पानी नहीं दे रहा, ये तो मेरे आंसू हैं जो निकल रहे हैं रास्ता में। दर्द इनका एक फैन पैदा हो गया, बड़े वाला फैन, ये सुसु करते थे, ये पॉटी करके आए। नहीं बता सकते, ये सुसु करके निकले, पॉटी करके निकला, बेवफा महबूबा घर के बाहर है। छी क्या कर रहे हो आप मेरे घर के सामने, स्वच्छ भारत अभियान में जुड़ो। अब वो जवाब दे रहे, मैं पॉटी नहीं कर रहा, ये तो मैं बता रहा हूं तेरे बिना धोखा नहीं कर रहा।